अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज एक बेहद जरूरी मुद्दे के लिए मैं आपके सामने आई हूँ। यति नरसिंहानंद जैसे ढोंगी पाखंडी लोगों ने फिर एक बार अपनी जुबान से नफरत का जहर उगला है और हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, जो हम सबके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। प्यारे नबी जो पूरी दुनिया के लिए रहमत और शांति का पैगाम लेकर आए थे, उनकी शान में ये गंदी जुबान से अपमान कर रहा है, जो कि हर अमन पसंद हिंदुस्तानी, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, हर एक के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ये हर बार अपनी जुबान से नफरत का बीज बोकर कानून से बच जाता है, क्योंकि राज्य सरकारें ईमानदारी से अपना फर्ज नहीं निभा रही। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के जिम्मेदारों को ये कहना चाहती हूँ कि अब उनका ये ढुलमुल रवैया नहीं चलेगा। यति नरसिंहानंद और इन जैसे नफरती पाखंडियों के खिलाफ दिखावटी कार्रवाई ना की जाए, बल्कि हेट स्पीच, यूएपीए और एनएसए की गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये एक नजीर बन सके और आइंदा कोई ऐसी जुर्रत ना कर सके। ऐसा ना होने पर हम संसद और सुप्रीम कोर्ट में हर मुमकिन कार्रवाई करेंगे, अपना विरोध दर्ज करेंगे और संविधान ने हमें जो सर उठा के जीने का अधिकार दिया है, उसे हम लेकर रहेंगे, हरगिज चुप नहीं बैठेंगे।